Himachal Pradesh University students on Tuesday ended their 154 days long hunger strike after the administration assured them of fulfilling their demands. जिन डिमांड्स के लिए हम यहाँ पे लगातार लड़ रहे थे, आज वो सारी डिमांड्स हमें लिख के हमें प्राप्त हुई और हमारी जो एक छात्र समुदाय की विश्वविद्यालय लेकर देखिए जो है बहुत बड़ी विक्ट्री एक विजय हुई है, उसके लिए तमाम लोगों को मैं यहाँ से बधाई देता हूँ और जिसके लिए साथियों ने इतने दिनों से यहाँ पे संघर्ष यहाँ पे किया है. मेनली जो हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे थे, हम ये मांग कर रहे थे कि जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है वो जो डिस्क्लोज होनी चाहिए और उसमें हमें ये लिख के मिला कि इसी आंदोलन के चलते पहले तो प्रशासन ये कह रहा था कि ये जो रिपोर्ट है ये किसी भी सूरत का नाम आपको नहीं देंगे, लेकिन जो है इसी आंदोलन के चलते जो वो रिपोर्ट अभी माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, उसके बाद हमें ये लिख के मिला कि जब जो है वो रिपोर्ट उच्च न्यायालय से प्राप्त होगी उसका जो भी डिसीजन होगा उसके बाद हम अपनी रणनीति को आगे इसके अंदर करेंगे. और जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि जो छात्र हमारे छात्र आंदोलन के चलते जो निष्कासित किए गए थे उसे हमें यह लिख के मिला कि एक हफ्ते के अंदर जो है उन तमाम लोगों का निष्कासन बहाल किया जाएगा. और लगातार हम ये भी बोल रहे हैं रूसा सिस्टम जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी लड़ाई बन चुकी है, हालांकि ये पॉलिसी मैटर का इश्यू है, हालांकि इसकी लड़ाई हम पूरे हिंदुस्तान के लेवल के अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जब तक जो इसको हम वापिस रोल बैक नहीं कर पाते हैं तब तक हमें जो कुछ सजेशन भी दिए और हमें ये वहां से बोला गया कि आपके सजेशन को जो है गंभीरता के साथ लिया जाएगा. हमने ये इसमें सजेशन दिया कि इसके ऊपर सेमिनार्स होने चाहिए और जो इसका सेंटर शेड्यूल भी आना चाहिए. हम इसके अंदर ये मांग कर रहे हैं जब तक रूसा इसमें जो रोल बैक नहीं होता तब तक जो हम पूरी लड़ाई करेंगे. The students from Left Back Student Federation of India had made a 46 demands charter on issues such as hike in fees and expulsion of several student activists.